फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है ट्विंकल का किचन। तो आज हम बनाएंगे स्प्राउट सैलेड मूंग और चने से, जो कि बनाना बहुत ही इजी है। और ये सैलेड आप सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में बनाकर खा सकते हो, और अगर आप एक्सरसाइज करते हो या आप डाइट पे हो तो भी इसे खा सकते हो। इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं, तो आप इसे खा सकते हो। बहुत ही हेल्दी सैलेड है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसकी रेसिपी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 कटोरियों में चना और मूंग निकाल के रखे हैं, तो आप इनकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इन्हें सोक करेंगे, यानी कि इन्हें भिगो कर रखेंगे। तो 7-8 घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे और ये आराम से 7-8 घंटे में सोक हो जाएंगे, यानी फूल जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे चने और मूंग हैं वो अच्छे से फूल चुके हैं। तो हमें सिंपल चने और मूंग नहीं चाहिए, हमें इनके स्प्राउट बनाने हैं सैलेड के लिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक कॉटन का साफ कपड़ा लेना पड़ेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने इन दोनों को एक ही में डाल दिया है। तो यहाँ पर इस तरह से कॉटन का सूती कपड़ा ले लीजिए आप, और उसके बाद में इन्हें अच्छे से बांध कर रख दीजिए 7-8 घंटे के लिए, और ये बहुत ही अच्छे से इनके स्प्राउट बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से बांध कर रख देंगे। और इस कपड़े को सूखने ना दें बिल्कुल भी, इसको मॉइस्चर चाहिए, क्योंकि जब ही हमारे स्प्राउट बनेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे चना और मूंग हैं वो बहुत ही अच्छे से अंकुरित हुए हैं, इनके बहुत ही अच्छे स्प्राउट बने हैं। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं बिल्कुल ईजीली, बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने कुछ वेजीज ली हैं, तो इन्हें चॉप कर लिया है। तो यहाँ एक मैंने प्याज ली है, इसे चॉप कर लिया है, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक टमाटर लिया है और इसे भी चॉप कर लिया है। और यहाँ पर मैंने ककड़ी ली है, यानी कुकुम्बर, तो इसे भी चॉप कर लिया है। और इसके बाद में मैंने धनिया पत्ती ली है, तो यहाँ पर इसे भी मैंने कट करके रखा है। और यहाँ पर कुछ अनार के दाने निकाल के रखे हैं। अब हम सभी सब्जियों को मूंग दाल और चने में मिक्स कर लेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप यही सब्जियां इसमें ऐड करें, आप अपनी पसंद की टेस्ट की सब्जी कोई भी ऐड कर सकते हैं इसमें। इसके बाद में हम जो हमारे अनार के दाने हैं उन्हें भी डाल देंगे इसमें। यहाँ पर मैंने चने और मूंग को इसलिए स्प्राउट किया है, यानी अंकुरित किया है, क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रहता है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अगर आप चाहें तो इन्हें सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं सैलेड में, बट ये ज़्यादा प्रोटीन वाले रहते हैं, तो आप स्प्राउट बनाकर ही सैलेड बनाएं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा आपके लिए। और जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो यहाँ पर इसे मिक्स कर लिया है हमने। अब इसमें ऊपर से हम नींबू डालेंगे, तो आधा नींबू कट करके डाला है मैंने इसमें। उसके बाद में इसमें मैंने आधा चम्मच चाट मसाला डाला है, इसी के साथ में चुटकी भर मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप चाहें तो काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर। और इसके बाद में हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और भुना हुआ आप जीरा पीस कर भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देगा। और आप अपने टेस्ट के अनुसार कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये मिक्स हो चुका है अच्छे से, आप देख सकते हैं इस तरह से कितना बढ़िया सैलेड बना है, और देखने में भी ये कितना अच्छा लग रहा है। इसमें मैंने नमक नहीं डाला है, क्योंकि चाट मसाले में ऑलरेडी नमक मिक्स रहता है। तो अगर आप चाहें तो इसमें काला नमक मिक्स कर सकते हैं, उससे अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो यहाँ पर हमारा सैलेड कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है, और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, प्रोटीन से भरा सैलेड है ये। और आप इसे सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में ले सकते हो, और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, वो भी इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि टाइम पर आपको मेरे डिश की रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस डिश पे चाहिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिश के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।